हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है पनीर पास्ता मसाला। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर वीडियो फ्रॉम कुकिंग विद पिंकी। पनीर मसाला पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमने लगभग 100 ग्राम पनीर लिया है, उसके स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं। अब हम उसमें डालेंगे कैप्सिकम, अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लगभग आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, दही, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लगभग 10-15 मिनट के लिए इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए, पनीर हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसे बैक करेंगे। लगभग 10 मिनट के लिए इसे हम बैक करेंगे। आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में इसे बैक कर सकते हैं। पनीर हमारा हमने बैक होने रखा है, वो बैक होता है जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन में लगभग 2 छोटे चम्मच ऑयल लिया है। जब वो गर्म हो जाएगा तब हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे एक टमाटर की प्यूरी। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो, लगभग आधा छोटा चम्मच ओरिगेनो डाला है। थोड़ा सा नमक, इसे एक मिनट के लिए हम पकने देंगे। टमाटर अच्छे से पक गया। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। जो पनीर हमने बैक करने के लिए रखा था वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। लगभग एक बड़ा चम्मच हमने इसमें क्रीम डाली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ मैक्रोनी पास्ता। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ढककर पकने देंगे। हमारा पनीर मसाला पास्ता तैयार है।
अब हम इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे। फिर इसे हम 2 मिनट के लिए बैक करेंगे ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारा पास्ता तैयार है, चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। पनीर पास्ता मसाला तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।